हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग पांच चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पांचवा चैप्टर था अम्ल, भस्म, क्षार तथा लवण के बारे में। ठीक है, अब बात करने वाले हम लोग इस लेक्चर में गैसों के गुण। याद रखिए, रसायन विज्ञान से संबंधित जितने भी चैप्टर होंगे हमारे, वो आपको जनरल साइंस के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसे भी। गैसों के आचरण को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो याद रखिए, बर्नौली ने 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को क्या कहते हैं? सामान्य ताप। जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 760 mm से mm रहती, तब उस वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? समान दाब। 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 मिलीमीटर दाब को क्या कहते हैं? सामान्य ताप एवं दाब। समस्थानिकों को अलग अलग करने में कौन से नियम का प्रयोग होता है? गैसों के विसरण का। हाइड्रोजन गैस के विसरण का वेग ऑक्सीजन गैस के विसरण के वेग से कितना अधिक होता है? 4 गुना। एक निश्चित आयतन वाले गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। यह किसका नियम है? डॉल्टन का। किसी गैस को स्टेंजर गैस भी कहते हैं, जीनोन को। आगे बात करते हैं। किस परिकल्पना के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? एवोगैड्रो की परिकल्पना। सेंटीग्रेड ताप को परम ताप या केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 जोड़ दिया जाता है। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। गैसों के अणुओं की अंतर आणविक दूरी कम होती है अथवा अधिक। याद रखिए, अधिक। फिर मुख्य गैसीय नियम है ये। ठीक है, ये वायल का हो गया, चार्ल्स, गैस, आदर्श समीकरण, एवोगैड्रो। ठीक है, देख लेना। आगे बात करते हैं। निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? वायल ने दिया। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? वायल के नियम से। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या अंतर पड़ता है? बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाए? तिहाई। NTP पर 22 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा? 22.4 लीटर। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। किस ताप पर सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान क्या है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रह ने। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित
वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम किसका है? ग्राहम ने दिया। गैसों का विसरण दरों उनके घनत्व में क्या संबंध होता है? आर अपॉन आर टू बराबर अंडर रूट डी टू अपॉन डी वन। ठीक है, आर वन, जहाँ आर वन और आर टू गैसों की विसरण दर है, डी वन डी टू उनके घनत्व हैं। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है? निम्न दाब व उच्च ताप पर। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से? विसरण से। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैसों का विसरण। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणु भार क्या होगा? 28। किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? दोगुना। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया संभव ना हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? 1:4। ठीक है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणुओं की। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या सूचित करता है? 1 मोल गैस को। ठीक है, तो ये था हमारा 6वां चैप्टर गैसों के गुण। बात करेंगे 7वें में रासायनिक बंधन। ठीक है।